हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज गगन एंड वी आर इंस्ट्रक्टर वाया न्यूटन स्कूल। तो आज के अपन इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं कि अपन लोकल स्टोरेज को किस तरीके से यूज कर सकते हैं हमारे रिएक्ट जेएस के अंदर। ओके, तो लास्ट वाले वीडियो में अपन इसको जावास्क्रिप्ट के अंदर देखा था, तो ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होने वाले। सिंपल अपन यूज स्टेट हुक से इसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ओके, वहां पर अपने प्लेन चीजें देखी थी प्लेन जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, और इसको अपन रिएक्ट के अंदर यूज स्टेट हुक की हेल्प से इसको देख रहे होंगे। तो बिना देर क्यों करते हैं आज के वीडियो को स्टार्ट। लेकिन हाँ, उससे पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मान लीजिए आप एक नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से और आपको टेक इंडस्ट्री के अंदर आपको करियर बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ रिसोर्सेस फॉलो करने होंगे। तो आपको ऑनलाइन रिसोर्सेस बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन उनमें प्रॉब्लम क्या होने वाला है, एकदम पूरे ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं होंगे और ना आपको पूरे कंप्लीट नहीं मिलने वाले। तो इसी प्रॉब्लम को सोल्व किया है न्यूटन स्कूल ने। तो न्यूटन स्कूल आपको क्या करेगा, जो भी फांग एंड मांग कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उनके थ्रू आपको 1-to-1 आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करी जाएगी। चाहे आप एकदम बिगिनर हो या स्लो लर्नर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको पूरा कंप्लीट प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है, तो मैं आपको लिंक नीचे प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। और अब चलते हैं हमारे आज के वीडियो टॉपिक, जिसके अंदर अपन देखने वाले हैं कि अपन रिएक्ट के अंदर किस तरीके से लोकल स्टोरेजेस को यूज कर सकते हैं। और इसके बाद हमारा एक वीडियो और आने वाला है, वो अपन लाइव करने वाले सैटरडे को। उसके अंदर अपन क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज के साथ रिएक्ट के अंदर टू डू एप्लीकेशन बनाने वाले। ओके, तो आप ये वाला वीडियो जरूर देखिएगा। तो अब मैं आता हूं उसके लिए अपने वीएस कोड एडिटर में, और यहां पर मैंने क्या कर रखा, पहले से ही ना एक एमपीएक्स क्रिएट रिएक्ट ऐप का सेटअप कर रखा था, और अब यहां पर मैं टाइप करूंगा आरएफसी। तो इस यहां पर क्या होने वाला है, मेरे पास क्या आएगा, एक मेरे पास एक रिएक्ट का बॉयलरप्लेट कोड आ जाएगा, ठीक है, आरएफसी। तो यहां पर मेरा आरएफसी से नहीं आया, तो यहां पर मैंने एक एक्सटेंशन ना एक इंस्टॉल नहीं कर रखी है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ वापस, मेरी इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करते हैं, रिएक्ट ES7। तो इस एक्सटेंशन की हेल्प से क्या होगा कि मेरे पास कुछ स्निपेट्स मिल जाएंगे, उनको मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। सिंपल मैं अगर टाइप करूंगा ना आरएफसी, तो मेरे पास रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट आ जाएगा, ठीक है। वो मैं आपको बताऊँ किस तरीके से आएगा। तो पहले इसको इस तरीके से करते हैं, और अब यहाँ पे, ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास चीजें आ जाएंगी, ठीक है ना। तो अब अपन क्या करने वाले हैं कि लोकल स्टोरेज को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो लोकल स्टोरेज को अपन यूज कर सकते हैं कैसे, उसके अंदर मेरे पास चार चीज होने वाले हैं, सेट आइटम, गेट आइटम, रिमूव आइटम और क्लियर आइटम। तो अपन क्या करेंगे, आइटम को गेट करने वाले हैं, सेट भी करने वाले हैं और रिमूव भी करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एक इनपुट एरियाज बनाते हैं। इनपुट एरिया के अंदर अपन कुछ टाइप करेंगे, कुछ हमारा इनपुट होगा, वो उसको अपन सेट करेंगे, ठीक है, और उसको अपन डन मतलब उसको सेट कर देंगे, और वहां से अपन इसको रिमूव भी करने वाले हैं। तो मैं आपको एक बार चीजें शो कर देता हूँ कि कहाँ पे मेरा लोकल स्टोरेज होने वाला है। तो आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट करना, उसके बाद आपको एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के अंदर आप लोकल स्टोरेज के अंदर आप देखिएगा कि इस तरीके से मेरे जो चीजें होंगी ना, वो मेरी की वैल्यू पेयर के फॉर्म में चीजें हो रही होंगी स्टोर। ओके, और की के अंदर मेरी यूनिकली चीजें होंगी, और वैल्यू के अंदर मेरी स्ट्रिंग के चीजें अंदर सेट हो रही होंगी। अगर मेरे को कोई चीजें, मान लीजिए मेरे पास कोई एरे ही है, अगर एरे को सेट करना होगा तो मेरे को जैसे डॉट स्ट्रिंगिफाई यूज करना होगा। अगर कोई एरे को मैं यहाँ पे गेट कर रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे को जेसन डॉट पार्स यूज करना होगा। ओके, ये सिंपल सा चीजें जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। अब अपन क्या करने वाले हैं, सिंपल इसको रिएक्ट के अंदर देखते हैं कैसे अपन इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, एक इनपुट एरियाज बनाते हैं, ठीक है, पहले इसको रिमूव करते हैं और एक रिएक्ट फ्रेगमेंट एड करते हैं पहले, तो और एक इनपुट एरिया बनाते हैं, ठीक है। इससे पहले एक ड्यू कंटेनर यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा, चलो एक ड्यू कंटेनर यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे बनाते हैं ड्यू कंटेनर सर, डिव कॉन्टेनर, ओके। और इसके अंदर यहाँ पे क्या करते हैं, एक H1 हेडिंग बनाते हैं, ओके, एक H1 हेडिंग बनाते हैं। यहाँ पे मैं ऐड करने वाला हूँ नेम ऑफ द यूजर, ठीक है, नेम ऑफ द यूजर, ओके। और इसके बाद इसके अंदर बनाने वाले एक इनपुट एरिया, और इनपुट एरिया के अंदर टाइप को रखने वाले टेक्स्ट, और इसकी जो वैल्यू होगी, वैल्यू क्या रखेंगे, वैल्यू अभी बनाने वाले हैं। तो वैल्यू के लिए अपन यहाँ पे यूज करने वाले हैं यूज स्टेट हुक का, ठीक है, यूज स्टेट हुक। तो यहाँ पे मैं यूज स्टेट को बनाऊंगा, वो मेरा ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। तो पहले यहाँ पे मैं बना देता हूँ, क्या बनाऊँ मैं यहाँ पे, कॉन्स्ट इस तरीके से यूज स्टेट हुक, ओके, यूज स्टेट हुक, ओके, मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो गया। और इसके अंदर भी एम्प्टी रखने वाले, तो फर्स्ट चीज ऐड करते हैं नेम, और इसके बाद यहाँ पे मेरा सेट नेम, ओके, और नेम के अंदर इस तरीके से ऐड करेंगे नेम, ओके, ये मेरी चीजें हो गई। इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, एक बटन भी यहाँ पे मैं क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है। बटन में क्यों बनाऊंगा, बटन में जैसे क्लिक करूँ तो मेरा लोकल स्टोरेज में ऐड हो जाए चीजें, ओके ना, इसलिए मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं बटन क्रिएट करता हूँ, एक बटन, बटन पे यहाँ पे मैं बटन को ऐड करने के लिए यहाँ पे मैं ऐड करने वाला हूँ, ओके। तो इसको ना एक डिव कंटेनर के अंदर ही इसको रैप कर देते हैं ना, क्योंकि अलग अलग चीजें मेरे को सही नहीं लगेंगी, वापस से थोड़ा कन्फ्यूजन होगा इस तरीके से, ओके, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने प्रिंटर भी एक्सटेंशन नहीं कर रखी। अब पेज को सेव करते हैं थोड़ा, और हमारे यहाँ पे ब्राउजर पे आने वाले हैं। तो ब्राउजर पे यहाँ पे आप देख सकते हो नेम ऑफ द यूजर और इनपुट एरिया मेरे पास आ चुका है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि मैंने ना बूटस्ट्रैप को ऐड कर रखा है, इसलिए मेरे को थोड़ा चीज शो कर रहा है यहाँ पे। देखो आप मेरे इसके अंदर
इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के मैंने अंदर बूट स्टेप ऐड कर रखा है, तो बूट स्टेप ऐड कर रखा तो अपन यार क्लास भी ऐड कर देते हैं, इसकी क्लास ऐड कर देते हैं ना। ओके यहाँ पे कुछ क्लास नेम ऐड कर देते हैं, नहीं स्टाइलिंग अपन ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं यार। ओके बटन डन, और अब इनपुट एरिया के अंदर कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे ऑन चेंज ऐड करना होगा, ठीक है। ऑन चेंज हैंडलर, तो यहाँ पे मैं ऑन चेंज हैंडलर को ऐड कर देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे अपन इसको कॉल करने वाले हैं सिंपल, और यहाँ पे ऐड कर देंगे सेट नेम, और सेट नेम के अंदर ई डॉट टारगेट, ठीक है, टारगेट डॉट वैल्यू। ओके और पेज को सेव किए, वापस आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं कुछ टाइप कर पा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जैसे यहाँ पे डन पे क्लिक करूँ ना, तो मेरे लोकल स्टोरेज के अंदर मेरी चीजें स्टोर हो जानी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखो की वैल्यू फेक के फॉर्म में मेरे पास चीजें आ जाने चाहिए, मैं यही चीज मैं यहाँ पे चाहता हूँ। तो ओके तो वो मैं मेरे पास किस तरीके से आएंगे, तो उससे पहले मेरे को एक और बटन यहाँ पर मैं क्रिएट करना है। बटन किस लिए क्रिएट करना चाह रहा हूँ, बटन मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ रिमूव करने के लिए भी। पहले तो ये करते हैं, ऑन क्लिक यहाँ पे ऐड करेंगे। ऑन क्लिक क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्लिक करते ही मेरे चीज ऐड हो जानी चाहिए, तो यहाँ पे एक ऑन क्लिक ऐड करते हैं, और इसका नेम जो है ना वो नेम मैं रखने वाला हूँ सिंपल, हैंडल करके नेम रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हैंडल। ओके और इसको यहाँ पे ऊपर डिफाइन करने वाले हैं एक एरो फंक्शन की हेल्प से, तो सिंपल कॉन्स्ट हैंडल। ओके इस तरीके से मैं इसको डिफाइन करने वाला हूँ। ओके अब इसके अंदर यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने आपको बताया लोकल स्टोरेज डॉट, ओके लोकल स्टोरेज, इसके साथ आपको क्या यूज करना है, आइटम को अपन सेट कर रहे हैं ना, सेट आइटम, और इसके अंदर अपन क्या चीज ऐड कर देंगे, किसके फॉर्म में, की वैल्यू पे के फॉर्म में कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपल अपन नेम, नेम ये हो जाएगा, और सेकंड चीज जो हमारी क्या होने वाली है, हमारा नेम जो अपन ने वेरिएबल क्रिएट किया वो। तो अगर हम यहाँ पे पेज को सेव करूँ, वापस यहाँ पे आते हैं हमारे इसके अंदर, और यहाँ पे कुछ भी चीज़ें ऐड करते हैं गगन, और यहाँ पे मैं डन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखो नेम मेरा की हो गया, और जो मेरा वैल्यू है वो मेरा यहाँ पे क्या हो गया गगन। तो इस तरीके से अपन ने क्या क्या आइटम को सेट कर दिया है। अब आइटम को क्या करने वाले हैं, गेट करने वाले हैं, तो गेट करने के लिए आपको एक चीज ऐड करनी होगी, कौन सी चीज अपन यहाँ पे कौन सी चीज यूज करने वाला है, गेट आइटम। ओके तो गेट आइटम को भी यहाँ पे मैं बना देता हूँ कि गेट आइटम अपन किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको सिंपल क्या यूज करना होगा, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, तो यहाँ पे मैं उसको रेंडर करवाऊंगा, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे सिंपल लोकल स्टोरेज, ओके लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, ओके गेट आइटम, और इसके अंदर आपको क्या चीज होगी, जो आपने की सेट की है, की कौन सी सेट की, आपने नेम सेट की है ना, तो यहाँ पे मैं नेम कर देता हूँ इस तरीके से नेम। ओके और इसके बाद यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करने वाला हूँ, यहाँ पे इस तरीके से एक एंड एंड, और इसके अंदर एक डिव कंटेनर ऐड करते हैं इस तरीके से, एक डिव के अंदर इसको रैप करने वाले हैं। ओके सॉरी यहाँ पे डिव, ओके यहाँ पे एक इस तरीके से डिव कंटेनर, और यहाँ पे मैं बनाऊंगा क्या बनाऊंगा, मैं नेम जो मेरा नेम आने वाला है वो यहाँ पे मैं इस तरीके से यहाँ पे बना दूंगा। ओके नेम को उसको पी टैग के अंदर रैप करते हैं, ठीक है पी इस तरीके से, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा लोकल स्टोरेज, सॉरी यहाँ पे मेरे को करना होगा लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, गेट आइटम, और ओके सॉरी यहाँ पे गेट लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और इसके अंदर जो मेरी क्या होने वाली है, की होने वाली है नेम। ओके यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं, तो इस तरीके से मेरी चीजें होंगी। ओके ये मेरा हो गया किसके लिए, मैं आइटम गेट करने के लिए, तो यहाँ पे मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, गेट आइटम, और ये कमेंट ऐड किया मैंने। ओके तो अब मैं यहाँ पे पेज को सेव करता हूँ, और वापस मैं यहाँ पे आने वाला हूँ, मेरे यहाँ पे कहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, ठीक है, तो कंसोल पे देखते हैं क्या रह रहा है। ओके इसको रिमूव करते हैं, वापस से पेज को सेव करते हैं, रिलोड करते हैं। ओके तो हमें एरर देखने को मिल रहा है जी, एरर हमें क्यों देखने को मिल रहा है वो देखते हैं। ओके गेट नहीं करना, सॉरी गेट आइटम करना होगा इसको। ओके अब पेज को सेव करते हैं, अभी हमें कोई एरर नहीं आना चाहिए अब इसके अंदर, और यहाँ पे कुछ भी चीजें ऐड करते हैं गगन, और यहाँ पे मैं डन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखो नेम मेरा की हो गया, और जो मेरा वैल्यू है वो मेरा यहाँ पे क्या होगा गगन। तो इस तरीके से अपन ने क्या क्या आइटम को सेट कर दिया है। अब आइटम को क्या करने वाले हैं, गेट करने वाले हैं, तो गेट करने के लिए आपको एक चीज ऐड करनी होगी, कौन सी करनी होगी, कौन सी, अब आइटम को क्या करने वाले हैं, गेट करने वाले हैं, तो गेट करने के लिए आपको एक चीज ऐड करनी होगी, कौन सी वाले हैं, तो गेट करने के लिए आपको एक चीज ऐड करनी होगी, कौन सी करता हूँ, और अगर मैं पेज को रीड करूंगा तो मेरे पास चीजें आ जाने वाली है, क्योंकि मैंने लोकल स्टोरेज पे उन सब चीजों को ऐड के अंदर, और यहाँ पे कुछ भी चीजें ऐड करते हैं गगन, और यहाँ पे मैं डन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखो नेम मेरा की हो गया, और जो मेरा वैल्यू है वो मेरा यहाँ पे क्या होगा गगन। तो इस तरीके से अपन ने क्या क्या आइटम को सेट कर दिया है। अब आइटम को क्या करने वाले हैं, गेट करने वाले हैं, तो गेट करने के लिए आपको एक चीज ऐड करनी होगी, कौन सी, गेट करते हैं हमारे इस
हैंडल को और यहाँ पे नेम ऐड करते हैं रिमूव, ओके रिमूव, और इसके लोकल स्टोरेज सेट आइटम की जगह मेरे को क्या करना होगा, रिमूव आइटम करना है, ठीक है, रिमूव आइटम करना है और सिंपल इस चीज़ को यहाँ से रिमूव कर देना है। अगर मैं पेज को सेव करूँ और वापस मेरे कंसोल पे आऊँ और अब मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ें ऐड करूँ, डन नहीं करना सॉरी, इसको मैं ना रिमूव ऐड करता हूँ यहाँ पे, रिमूव। अब पेज को सेव करते हैं और वापस यहाँ पे आते हैं और ना अब इसको क्लियर कर देता हूँ, मैं पहले रिमूव किया और अब पेज को रिलोड करता हूँ, ठीक है। अब मेरे ना मेरे कहाँ पे चीज़ें नहीं है, मेरे लोकल स्टोरेज एकदम एम्प्टी होने वाला है। अगर मैं कोई चीज़ ऐड करता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए गगन, नेम गगन, तो मेरा की वैल्यू पेज के फॉर्म में चीज़ें आ गई, और अगर मैं यहाँ पे रिमूव पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से मेरा रिमूव हो जाएगा, ओके। तो आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ आ गई होंगी कि किस तरीके से अपन रिएक्ट जेएस के अंदर हमारे लोकल स्टोरेज को यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये वाला वीडियो मैं इसलिए बनाया हूँ क्योंकि आने वाले वीडियो में क्या करने वाला हूँ, मैं लाइव सैटरडे को लाइव लूंगा, उसके अंदर मैं करंट ऑपरेशन करने वाला हूँ लोकल स्टोरेज के साथ, ओके। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। इनकेस अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो वीडियो को लेके, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको जरूर ही रिप्लाई दूंगा। तो बस गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।